नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार मैथ्स बाय कुमार राजू में स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में लेटर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेटर सीरीज के इसके पहले कई वीडियो आ चुके हैं और इसमें भी उसी के कई टाइप के क्वेश्चन हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यह क्वेश्चन है और इसमें हमें निकालना है क्या, ये जो दो मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ निकालना है और यहाँ एक यहाँ निकालना है। अब ये आएगा कैसे, देखिए आपको देख के इसमें कुछ दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको इसको देख रहे हैं तो यहाँ जैसे ये लिखा है एजेड, एजेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, समझ में आ रहा है, सी एक्स एक दूसरे का अपोजिट, ईवी ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। और ये जीटी ये सब एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। तो आंसर में देखा जाए तो देखिए आईआर है, एमएन है, सब एक दूसरे का अपोजिट आंसर में भी दिया है, तो ये अपोजिट वाला तरीका काम नहीं करेगा इस। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसे इसमें पहला लेटर ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीके क्या है कि अप्रोच कोई हो सकता है कि आप कैसे लगाएंगे। अब देखिए जैसे ये पहला लेटर क्या है, ए है, ए से हम सी गए हैं, क्या किए हैं, प्लस टू। ठीक है, सी से ई गए हैं, क्या किए हैं, प्लस टू। अब ये प्लस टू समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, देखिए ए का वन होता है, सी का तीन होता है, ई का पाँच, ठीक है, जी का सात होता है। अब यहाँ से ये पहला लेटर गया तो यहाँ भी प्लस टू, तो अगर यहाँ से पहले लेटर पर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस टू ही तो होगा। अगर G है यहाँ पर क्या आएगा, I आएगा कि नहीं बताइए, यहाँ पर आ गया क्या, I, पहला लेटर। ठीक है, अब आगे इसी को और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए K गए हैं तो भी प्लस टू किए हैं, यानी K से और आगे जाएंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, प्लस टू। ठीक है, ये K का 11 होता है, दो 13 हो गया, यानी पहला लेटर यहाँ का आ गया क्या, यम, दोनों जगह का पहला लेटर आ गया। ठीक है, आई और यम आ गया है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन अगर आप देखें तो यहीं से मान देंगे आंसर, पहला लेटर आई है। देखिए आई कहाँ कहाँ है, एक इसमें है ए वाले में और एक डी वाले में, लेकिन दूसरे जगह पर पहला लेटर क्या है, यम है, और यम कहाँ पर है, ए की जगह, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा देंगे, लेकिन अब देखिए अब तरीका देखिए कि दूसरा आ कैसे रहा है। जैसे देखिए जेड से हम कहाँ जा रहे हैं, एक्स में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस टू हो रहा है, एक्स का 24 होता है, जेड का 26 होता है, माइनस टू। चलिए एक्स से वी गए हैं, यहाँ भी हो रहा है माइनस टू, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए वी से टी गए हैं, यहाँ भी माइनस टू हो रहा है, यानी T से जब यहाँ अगले लेटर पे जाएंगे क्या करेंगे, माइनस टू करेंगे, और T क्या होता है 20, तो यहाँ आएगा क्या 18, तो 18 किसका होता है, R का, तो पहला तो हो गया आई आर, और आई आर देखिए एक यहाँ है एक ऊपर है, ठीक, यही दोनों में होगा। अब आ जाइए इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, R से अगर माइनस टू करेंगे तो ये 16 आ गया, और 16 से जब माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा, ये 14, और 14 किसका होता है, यन का, यानी पहला आ गया आई आर एंड एम एन। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं, सीरीज को पहचानना कैसे पहचाना जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये तरीके हैं। ठीक है, चलिए अभी कई टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये अगला देखिए आप, अगला क्या कहता है। अब देखिए ये है एन, ये है पी, ठीक है, और ये इधर सीरीज को पहचानिए, सीरीज को देख के क्या लगता है बताइए, कैसे लगेगा ये। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है n, n का कितना होता है 14,
का कितना होता है 16, यानी क्या किया गया है प्लस 2, ठीक है। यम का कितना होता है 13, के का कितना होता है 11, यानी यहाँ क्या किया गया है माइनस 2, ध्यान रखिएगा। आर का होता है क्या 18, टी का होता है 20, यानी प्लस 2। देखिए अल्टरनेट आ गया, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, माइनस 2 आ गया। तो अगला क्या आएगा कि प्लस 2 होना चाहिए, जैसे यू है, ठीक है। यू से अगर हम डब्लू जाएंगे तो क्या हो रहा है प्लस 2, ठीक है। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, इसमें यहाँ भी माइनस हो रहा है, लेकिन V और X में भी जाएंगे तो क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है कि नहीं। V का 22, X का 24। अब देखिए दो ऑप्शन हो रहे हैं, यानी ये तरीका इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। अब तरीका कौन सा काम करेगा उसको देखिए, इसको हम मिटा देते हैं पहले। देखिए एग्जाम में ऐसे ही आपको करना होगा, क्योंकि तरीका कैसे लगेगा आखिर, तो यही सब तरीके हैं जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगा लेंगे। इस तरीके से तो आंसर नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगला देखते हैं। अब देखिए जैसे पी का कितना होता है, पी का होता है 16, ठीक है। अब देखिए P से अगर हम ये यहाँ चल रहे हैं T पर, ठीक है, देखिए जैसे N का होता है क्या 14 और P का होता है 16, ठीक है, और R का होता है 18 और T का भी होता है क्या 20, T का 20 होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों के पहले लेटर में देखिए, ये भी 14 से 4 18 हो रहा है प्लस 4, और ये 16 में 4 जोड़ा जा रहा है, प्लस 4 हो रहा है दोनों लेटर, ठीक है। अब आइए, अब हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे यम मॉडल देख लीजिए, ये तो तरीका आपको समझ में आ गया, इस तरीके से ये दूसरे पे जा रहा है, ठीक है। अब आइए यम का कितना होता है, हम इसको आगे खींच दें या ये नीचे लिख देता हूँ, देख लीजिए आप, ये है क्या यम और क्या है के, ठीक है, इधर है क्या आई और जी, ठीक। अब देखिए यम का होता है कितना 13, के का होता है 11, आई का होता है 9 और जी का होता है 7, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है माइनस 4 हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा है क्या माइनस 4, पहले में पहला जब गया है तो प्लस 4 हो रहा है, दूसरे में माइनस 4, तो इसके आगे अगर बढ़ाएंगे हम तो यही तो आगे बढ़ेगा यहाँ से, यानी प्लस 4 वाला काम करना है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये क्या है यहाँ पर देखिए आर टी है, दोनों में प्लस 4 जोड़ दीजिए, ठीक है, आर का होता है 18 और 4 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 22 का होता है क्या वी, ठीक है, और टी होता है 20, 4 जोड़ेंगे तो 24 यानी डब्ल्यू, ये 24 किसका होता है एक्स का होता है, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिख गया वी एक्स, ऑप्शन नंबर डी, यही अप्रोच है इसको लगाने का, ठीक है। पहला हम लोग लगाए हैं तो नहीं लगा क्योंकि दो ऑप्शन मिल रहे थे, लेकिन अब ये दूसरा जो तरीका लगा है इसमें देखिए एक ऑप्शन मिल रहा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको, अब देखिए अगर नहीं लग पा रहा है तो आप क्या करेंगे, नहीं लगेगा तो यही होता है कि अगर एक एक पे नहीं जा रहा है एक एक अल्टरनेट चलिए। अब देखिए यहां से हम जैसे ही यहाँ से अल्टरनेट चले हैं, देखिए आपको आंसर मिल गया, ठीक है, तो ऐसे ही आप एग्जाम में लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन है, कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप ऑप्शन को देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला लेटर क्या है, ये तीन जगह डब्लू है एक जगह यक्स है, अगर पहला लेटर यक्स आ गया तो ऑप्शन आप तुरंत लगा देंगे आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक बार देख लीजिए रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, चल रही है, ठीक।
तो कैसे लगाएंगे आप? देखिए ये क्या है, ए है, पहले लेटर पर चले जाइए, ए से ई क्या हुआ है प्लस फोर, क्यों हुआ है, ए का होता है वन, ए का होता है वन और ई का फाइव, समझ में आ गया आपको। चलिए अब दूसरे पर चलिए, जे, जे का होता है क्या दस, यानी यहाँ क्या किया गया है प्लस फाइव, ध्यान रखिएगा। जे से हम चलना है पी पर, पी का होता है क्या सोलह, प्लस सिक्स हो रहा है, यानी अगर यहाँ से हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस सेवन, ठीक है। देखिए प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, ये सीरीज बन गई। तो अब पी का होता है क्या सोलह, और सात जोड़ेंगे तो सोलह सात कितना होता है तेईस, और तेईस किसका होता है डब्लू का होता है, यानी पहला लेटर हो गया डब्लू। अब देखिए डब्लू कितनी जगह है, तीन जगह है, बी तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। सेम यही काम अब दूसरे पर कर लीजिए, जैसे ये क्या है डी, डी से आई जा रहा है, डी का होता है चार, आई का होता है नौ, यानी प्लस पांच, ठीक है, आई का होता है नौ, नौ से फिर जा रहे हैं एन पर, यानी यहां भी प्लस पांच, ये हर जगह देखिए प्लस पांच ही हो रहा है, तो यानी इसके आगे भी क्या आएगा प्लस पांच, और यस का कितना होता है उन्नीस पांच चौबीस, और चौबीस किसका होता है एक्स का, यानी डब्ल्यू एक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको लगाने हैं, शुरुआत के एक दो क्वेश्चन में समय लगते हैं, लेकिन जब उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने लगते हैं तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेटर सीरीज में इससे बड़े बड़े अभी और आगे आप बढ़ेंगे, जैसे यहाँ दो दो लेटर का पेयर आ रहा है, आगे तीन आएगा चार आएगा पांच आएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये क्या है, पहले लेटर पर चले जाइए, ए से सी चलेंगे प्लस टू, सी से ई चलेंगे प्लस टू, ई में अगर दो जोड़ेंगे क्या आएगा जी आएगा कि नहीं, और एक ही जगह जी है, आंसर मारिए बी, लेकिन हम दूसरे को भी चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे अब उसको देखिए, आर है, आर से गए यस पे प्लस वन, टी प्लस वन, उसके बाद प्लस वन, तो क्या आएगा यू, तो यहां पर क्या आएगा जी यू, देखिए देखिए गड़बड़ हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी अगर पहले से मार के चल देते तो देखिए जी दो जगह था ना, इसलिए हमें ये चेक करना होगा, तो इसका क्या होगा लास्ट वाला क्या आ रहा है जी यू है कि नहीं, डी एक जगह नहीं था इसमें दो जगह था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा है चेक करना पड़ा है दोनों को, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में डब्ल्यू तीन जगह था, हमने दोनों को चेक किया, वही काम यहाँ करेंगे। चलिए अगला देखिए ये क्या है एजेट, देखिए फिर एक दूसरे के अपोजिट आ गए, अपोजिट वाले आ गए हैं, अब इसमें देखिए अपोजिट है क्या आई आर अपोजिट है, ठीक है, फिर आपका आई वी नहीं है, जे क्यू ये है, फिर के पी ये भी है, अब देखिए तीन अपोजिट मिल रहे हैं, यानी इसके आंसर हो सकते हैं ए बी डी में कोई एक, तो यहां पर अपोजिट वाला सेंस काम नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे आप पहले लेटर वाला लिख चलिए, देखिए ए के बाद सी है मतलब प्लस टू, फिर सी के बाद एफ यानी प्लस थ्री, सबका याद है कि नहीं, ए का वन सी का थ्री एफ का सिक्स, ठीक है, यानी इसके अगला क्या आएगा प्लस फोर, ये एफ का होता है छः चार दस, दस किसका होता है जे का, यानी पहला लेटर आ गया जे, अब देखिए जे एक ही जगह है, जे एक ही जगह है, यानी इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि यहां पर अपोजिट वाला सेंस काम नहीं किया। अब चलिए दूसरे को भी चेक करिए आप, ये क्या है जेड,
जेड से यक्स गए हैं क्या किए हैं माइनस टू, यक्स से यू गए हैं क्या किए हैं माइनस थ्री, क्योंकि यक्स का होता है 24, यू का होता है 21, फिर यानी इसके अगला जाएंगे क्या करेंगे माइनस फोर, और यू का होता है 21 में चार घटाएंगे यानी 17, 17 किसका होता है क्यू का, तो जे क्यू इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि सही है। ठीक है, इसी तरीके से आप लगाएंगे इसको। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है आप देखिए, यहां पर देखिए ऑप्शन में क्या है जी एच डब्ल्यू, तो यहां पर अब ये देखना है कि इन दोनों, अब देखिए आप किसी भी अप्रोच से सोच सकते हैं कि इसको हम लगाएं कैसे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप, देखिए एक अप्रोच ये होता है कि इन दोनों का अगर सम किया जाए तो कितना हो रहा है 31, ये 26 5 31, फिर ये 25 6 31, फिर ये यक्स जी हो रहा है, क्या हो रहा है आपका 24 36 31 हो रहा है, यानी इसमें ऑप्शन में 31 वाले होना चाहिए, तो ये तो 30 हो रहा है, ये तो होगा नहीं, फिर जी डब्ल्यू ये भी नहीं होगा, डब्ल्यू एच 31 हो रहा है, एच डब्ल्यू हो रहा है, अब देखिए ये दोनों हो सकते हैं सी और डी। ठीक है, तो ये भी यहाँ काम नहीं किया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि लेटर पे चलेंगे, अब आ जाइए लेटर पे चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस पर ही आधारित है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए ई से गए हैं यफ, ठीक है ई से गए हैं यफ, यानी किया है क्या प्लस वन, ठीक है, और यफ से गए हैं जी में, एक लेटर छोड़ दिया, यहां भी प्लस वन किया गया है। ठीक है, तो यानी इसके बाद लास्ट वाले में जाएंगे तो क्या आएगा यच प्लस वन। ठीक है, एक ये पहले पे दोनों सेम गए हैं, लास्ट में जाकर के आगे बढ़ गए। अब देखिए अगर ये यच है, ठीक है, अब इसके पहले हम यहाँ क्या लगाएं, देखिए जैसे यहां पर हम कह रहे हैं क्या है, ये क्या है यक्स, ठीक है यक्स है, यानी इसके एक पहले यहां पर क्या आएगा W, ठीक है, यहां पर प्लस वन किया गया है, इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, उल्टा चल रहा है, और फिर ये अपना जगह चेंज कर दिया, फिर यहां से आएगा यहाँ प्लस वन, फिर यहां से आ गया है प्लस वन, सीरीज बन गई। ठीक है, यानी डब्ल्यू एच इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर से, ये भी एक तरीका है लगाने का। ठीक है, या और भी तरीके हैं कैसे करेंगे आप, ठीक है इसको इसी में रहने दीजिए, और भी तरीके बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लगाएं कौन सा नहीं लगाएं। ठीक, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला देखिए, अब देखिए ये क्या है, देखिए तीन लेटर का यहां से आपका शुरुआत हो गया। ठीक है, अब देखिए एक तो सिंपल दिख रहा है, पहले लेटर चल चलिए ए, यहां पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया सी, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला लेटर आएगा डी, डी का एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये सी आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जी है, फिर है यच, यच के बाद आई, आई के बाद यहाँ क्या आएगा जे, यानी डी जे, देखिए दूसरा भी मिल गया। अब आ जाइए अगले में, ये देखिए यम, फिर आया एन ओ, यानी अगला क्या आएगा पी, यानी डी जे पी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप पहले लेटर से भी मार के आगे बढ़ सकते थे, तीनों को हमने चेक किया ताकि ये ना लगे कि आंसर गलत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप सफिशियंट टाइम लेके पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आप आसानी से इसको लगा लेंगे। अभी देखिए तीन लेटर का ये पहला क्वेश्चन था, अगला देखते हैं, अब ये भी देखिए तीन लेटर के हैं। ठीक है, तो आ जाइए, ये देखिए सी के बाद यफ हो रहा है, यानी प्लस थ्री, यफ के बाद आई हो रहा है, यानी प्लस थ्री। हम देखिए सबका नंबर याद होना चाहिए, यफ का छः होता है, आई का नौ होता है, छः तीन नौ। ठीक है,
यानी इसके अगला जाएंगे तो 9 3 कितना होगा 12 ही तो होगा, और 12 का मतलब क्या होता है के, सॉरी के कहाँ होता है, के का 11 होता है, एल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे ही गड़बड़ होती है। अब देखिए एल के दो ऑप्शन है, सी और डी, कोई हो सकता है। अब अगला लेटर लेते हैं, जैसे देखिए ए, ए के बाद डी प्लस 3 इसमें भी हो रहा है, डी के बाद जी प्लस 3, फिर जी के बाद प्लस 3 करिए क्या आ जाएगा, यानी 7 3 10 10 किसका होता है, जे का, यानी एल जे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि एल जे देखिए एक जगह है। अगला भी देख लीजिए सी कैसे आएगा, अब देखिए टी का होता है 20 से गए हैं 23 प्लस 3, फिर 23 से गए हैं 26 प्लस 3, और जब 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29, और 29 किसका होता है, सी का ही तो होता है, यानी एल जे सी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तीनों में प्लस 3 ऐसे ही होता है, कहीं प्लस 2 मिल जाएगा, कहीं एक एक अल्टरनेट हो जाएगा, ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको देखिए ये क्या है, डी पहले लेटर में चल चलिए, डी क्या होता है 4 और एच क्या होता है 8, यानी प्लस 4, फिर 8 4 12, देखिए 4 हो रहा है एड में, फिर ये 12 4 16, यानी यहाँ क्या आ जाएगा पी, पहला लेटर आ गया पी, दो जगह है, ठीक है। अब देखिए अगले को देखिए, पहले आई क्या होता है 9, और फिर गए एम प्लस 4 हो रहा है यहाँ भी 13, और फिर ये 4 17, फिर ये 4 क्या हो जाएगा 21 किसका होता है, यू का, यानी पी यू एन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से वॉच कर सकें, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए लेटर सीरीज पर इससे हार्ड क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ठीक है, इसके पहले हमने कई कराए हैं, उसको भी देखिएगा, और ये इस पर भी देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही कहीं प्लस 2 कहीं प्लस 3 इसी तरीके से आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं, ठीक है। देखिए मैथ के वीडियो भी अब आएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। अभी ये रीजनिंग का, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, फिर ये लेटर सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नया कुछ शुरू करेंगे, चाहे आप, अगर आप चाहते हो कोई न्यू चैप्टर जो आप खुद सजेस्ट कर सकते हो तो आप भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में, उसको हम शुरू कर देंगे, या इसके बाद हम फिर इसके आगे देखते हैं कौन सा शुरू करते हैं। अभी देखिए ये तो लेटर सीरीज चला, इसी में अभी नंबर सीरीज चलेगा, ठीक है, उसको चला देते हैं इसके बाद तुरंत, ठीक। तो अभी एक वीडियो और आएंगे, उसको भी आप देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।